प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने संग्रह का चैप्टर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतीकवाद एवं संघर्ष आपको कल पढ़ा रही थी। और अब तक अपन ने अंग्रेजों के भारतीयों के साथ में पूरा व्यवहार किया, उसके बारे में अध्ययन किया, और अब अपन आज जनजातियों के साथ में जनजाति यानी आदिवासी लोग जो जंगलों में निवास करते हैं बच्चों और अपनी संस्कृति में खोए रहते हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने जंगल के नियम मानते हैं और अपने तरीके से प्रकृति के सहारे जीते हैं। पर अंग्रेजों को तो हर जगह पर टैक्स वसूली करनी थी, हर जगह पर अपने अधिकार करने थे, तो जनजातियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब तक तो सैनिकों के साथ में पूरा व्यवहार, शहर में रहने वाले लोगों के साथ पूरा व्यवहार, परंतु अब जो है इनके साथ में भी पूरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो अब हम बात करेंगे जनजाति आंदोलन की। जनजातियां बच्चों जो जंगल में रहती है, इनके साथ में जो है वैसे तो 23 जून 1757 को काशी का युद्ध हुआ है। मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बात बताई थी, सिराजों द्वारा और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, बंगाल के वो नवाब थे और किस तरीके से धीरे धीरे बंगाल वालों ने इस युद्ध के बाद अधिकार कर लिया, धोखा देने से बिना हत्या उठाए और प्लासी का युद्ध जीत गए। उसके बाद में आपको पता है बंगाल वालों ने अधिकार कर लिया और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। तो बक्सर के युद्ध के बाद में तो पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से काशी के बाद में बंगाल में और 1764 में बक्सर के बाद पूरे भारत पर जो है अधिकार कर लिया था इन्होंने। उसके बाद में आगे देखेंगे तो अंग्रेज भारत को उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब क्या होता था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उपनिवेश का अर्थ होता है अपना गुलाम बना लेना, वहां की राजनीति सामाजिक आर्थिक सभी व्यवस्था को जब अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसको उपनिवेश कहते हैं, यानी वहां की व्यवस्था कोई बाहर से आकर संभाले। जैसे मैं कहूँ कि ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, आप समझ गए होंगे अपना गुलाम बनाया। बच्चों गुलाम शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए उपनिवेश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसी प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया उपनिवेश प्रक्रिया है, जन विद्रोह को जन्म दिया, क्योंकि जब व्यक्ति बात है व्यापार करने और भारत में व्यापार करने आए थे, अनुमति लेकर व्यापार करने थे, धीरे धीरे छल कपट धोखाधड़ी करके जो है यहाँ के राज्यों को हड़प लिया इन्होंने। इसके बाद में जो है अपना असली तरीके से उपनिवेश बना दिया और लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया, जबरन कर वसूली वगैरह करने लगे। तो इस तरीके से जब अंग्रेजी सरकार ने ऐसा किया तो जन विद्रोह होना संभव ही है और जनजातियों ने आंदोलन का कारण इनकी स्वतंत्रता होना, यानी ये जो जनजाति थे जंगलों में रहते थे पर अंग्रेजों ने जंगल में रहने पर पाबंदी लगा दी, इनके जंगल के संबंधित कानून बनाना शुरू कर दिए, जंगल से लकड़ी नहीं काटना और वहां नहीं रहना, ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे। और ये तो बेचारे जनजाति आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे, वहीं से फूल पेड़ लकड़ियां शहद बीज वगैरह फल फूल इकट्ठे करके लाकर शहर में बेचते थे और अपनी जीविका चलाते थे, ये उनके ऊपर ही पाबंदियां लगा दी थी। तो इस तरीके से इनको परेशान होना व्यक्ति वाला। उसके बाद में विदेशी यानी ये जो अंग्रेज थे ये तो विदेशी थे और इन्होंने इनके रीति रिवाजों में इनके रहने के तरीकों में कई तरह की पाबंदी लगा दी। अंग्रेजों ने बच्चों इनको असभ्य कहकर बुलाया था, जंगली कहकर बुलाया था, किताबों में ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं कि मतलब निकृष्ट जो होता सबसे नीचा वो कहकर बुलाया था, क्योंकि आपको पता आदिवासी लोग जो है ज्यादातर वस्त्र कम पहनते हैं, थोड़े से वस्त्र नीचे के वस्त्र पहने, थोड़ा सा और जानवरों की खाल पत्तियों इनसे भी काम चलाते थे। तो इनको बहुत ही नीचा हीन इंसान कहकर पुकारा इन्होंने और इनको कहा ये असभ्य, इनको
तो यही आगे चाहिए।
मजदूरों को जन्म दिया। मतलब अंग्रेजों की शासन व्यवस्था इतनी कठोर थी, कुछ भी हो जाए आप भूखे मर रहे हो, आपके अकाल पड़ गया, आपके अनाज उत्पन्न नहीं हुआ चाहे हुआ, इनको कोई फर्क नहीं, ये तो अपना घर वसूल करेंगे ही करेंगे। तो और इसके अलावा बहुत कठोर नियम कानून बना दिए थे। तो एक तो प्रशासन से ये परेशान थे, ऊपर से जो उनके राजा महाराजा थे, जो सामंत वगैरह थे, वो भी इनकी नहीं सुनते थे और वो भी इनकी उपेक्षा यानी धुतकारा देते थे, क्योंकि अंग्रेज इनको साथ में बैठा के चाय भी पिला लेते थे तो राजा महाराजा अपनी शान समझते थे और आम जनता से किसानों से कर इकट्ठा करके जो है अंग्रेजों तक पहुँचाने का काम ये करते थे। तो इस तरीके से भी ये लोग उनसे परेशान हो गए और फिर इन जनजातियों में विद्रोह किया, क्योंकि जब भी ये अपनी परेशानी लेकर पास जाते थे राजाओं के पास, वो सुनने तक तो तैयार नहीं होते थे, इनसे मिलते तक नहीं थे, इनकी बेइज्जती करके धक्के देकर उनको निकाल देते थे। तो इससे ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे और अंत में जो है विद्रोह करना ही पड़ रहा ऐसी परिस्थिति बन गई। उसके बाद में 1831 के अंदर इनकी भूमि यानी जो ये जो जहाँ खेती बाड़ी करते थे और इनके मुखिया जो थे मुंडो, इनसे भी इनकी जमीन छीन ली अंग्रेजों ने और जो वहां से बाहर के लोग थे यानी आदिवासी नहीं अन्य लोगों को वो जमीनें बेचनी शुरू कर दी ताकि इनको ज्यादा कमाई हो सके, भविष्य में ज्यादा कर मिल सके, क्योंकि बच्चों आदिवासियों की तो जो कृषि की पद्धति थी वो भी पुराने जमाने की थी, जंगलों में जैसे वो बीज चितराते थे, इनको हल चलाने का आते नहीं थे, तो वे बीजों को जैसे अपन दाना डालते पक्षियों को वैसे चितरा देते थे और उसके बाद में बारिश होती थी अपना उग जाते थे और काटते, और क्योंकि ये तो वैसे भी झूम खेती करते थे, आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा, तो इनको ज्यादा अच्छे से कृषि या फिर उत्पादन का होता था, तो अंग्रेजों ने अधिक फायदा करने के लिए इनकी जमीनों को बेचना शुरू कर दिया और ये बात इनको बिल्कुल स्वीकार नहीं थी और इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे ये विद्रोह हिंसक हो गया, यानी अंग्रेज सिपाहियों को और मारना शुरू कर दिया। पहले तो केवल आंदोलन चल रहा था और अब मारना शुरू हो गई और ये विद्रोह जो है पश्चिमी बंगाल में फैला था, यानी कोल विद्रोह जो हुआ कहाँ पर हुआ था, पश्चिमी बंगाल में बंगाल साइड में। इसके बाद में अंग्रेजों ने इनको शांत किया और उसके बाद में जो है कलकत्ता काउंसिल के अध्यक्ष जो थे, जो बंगाल है वहाँ पर मुख्य बड़ा शहर जो है कलकत्ता है और वहाँ पर जो काउंसिल थी यानी जो सरकारी कर्मचारी थे प्रमुख थे, उनके अध्यक्ष ने ये बिल्कुल स्वीकार किया कि ये विद्रोह अंग्रेज विरोधी घटना थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ इनके बुरे भाव थे। दिखती बात है, देखो बच्चों अपनी कमियों को ये कभी नहीं बताते थे कि हम इनके साथ गलत कर रहे थे इसलिए विद्रोह हुए, ये क्या कहते थे कि जो है इनके मन में अंग्रेजों के प्रति बुरे भाव थे। बुरे भाव क्यों उत्पन्न हुए, उसका कारण ये नहीं बताया इन्होंने, उन्होंने ये बताया ये विद्रोह इन्होंने पूरी भावनाओं से किया। तो आप जान सकते हैं कि अंग्रेज किस तरीके से बिहेव करते थे और कैसे वो अपनी गलती को दूसरे पर डाल के अपने आप को साफ सुथरा बता देते थे। इसके बाद में अगर बात करें तो संथाल विद्रोह, तीसरा कौन सा विद्रोह था बच्चों, संथाल विद्रोह, और संथाल भी है जनजातीय आदिवासी लोग। तो ये विद्रोह कब हुआ, 1855 के अंदर संथाल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक जन विद्रोह था। बच्चों जन विद्रोह का क्या मतलब होता है, मैंने आगे भी पढ़ा तो आपके सामने इसका नाम लिया, जन का मतलब होता है जनता, साधारण लोग जिनको अपन जनता कहते हैं। तो ये आंदोलन कोई सैनिक या कोई खास लोग नहीं, आम जन लोगों ने ये विद्रोह किया था। आप सोच सकते हो आम जन के पास या बेचारों के पास ना तो पूरे हथियार थे, ना पूरा सामान, ना कोई कम्युनिकेशन के साधन, कैसे संगठित हो, बस एक जगह मिलते थे एक से दूसरे से सुनकर और दुखी तो थे और इस तरीके से मिलकर इन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए और ये सब काम थे, ये वीरभूमि सेना भूमि और मुंगेर, बच्चे ये सारे इलाके कहाँ पर आए, बिहार के अंदर।
इस विद्रोह के मुख्य कारण क्या था? तो एक तो ये संस्थान से बहुत अधिक नापसंद है, इसके अलावा इनके साथ में बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करना, मतलब इतनी बदतमीजी से धुतकर देकर धक्के देकर बल्कि अपने सामने खड़ा तक नहीं होने देते थे, इस तरीके से इसके साथ में व्यवहार होता था। इसके अलावा पुलिस का दमन जो है, कभी भी कुछ भी ये छोटा सा विषय बात करते या ना कर देते तो जो पुलिस है इनको मारना पीटना शुरू कर देती थी, इनके साथ में बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार करना शुरू कर देते। इसके अलावा जबरदस्ती वसूली, अब चाहे बारिश हुई नहीं हुई, फसल हुई नहीं हुई, इनके घर में भोजन है खाने को चाहे नहीं है, ये अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज अधिकारी जो रखे हुए थे वो जबरदस्ती उनसे वसूल कर लेते थे कर, अब चाहे अनाज नहीं हुआ तो उनके जानवर है, उनके बच्चे हैं, उनको भी पकड़ के लेके चले जाते थे और अपने यहाँ पर नौकर जाकर के रूप में रख देते थे। तो इस तरीके से उनके घर जमीने जानवर बच्चे औरतें किसी को भी पकड़ कर ले जाकर अपनी वसूली करने की कोशिश करते थे। और इस कारण से जो ये विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का जो नेतृत्व करते थे, जो कोई भी विद्रोह होता था उसका एक नेतृत्व करता तो होता ही है, उसके कई अनुसार अनुसार कार्य करे तो सफल भी होता था। तो ये जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व जो है सिंधु और कानू इन दोनों ने किया, बच्चे ये दोनों भाई थे और इन दोनों ने जो है ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसके बाद में जब इन्होंने विद्रोह किया तो एक सैन्य गार्डन थी, सैन्य गार्डन के अंदर उन्होंने सेना भेज दी, सैनिक भेजे और उसके बाद में जब इनका विद्रोह बहुत ज्यादा तेज था, इनकी मांगे जायज थी, तो एक अच्छा अधिकारी बाई चांस क्षेत्र में आया हुआ होगा तभी ऐसा होगा। और उसके बाद में सैनिक गार्डन करने के बाद में विद्रोह को शांत किया गया और उसके बाद में इनको स्वतंत्र दे दिया और अलग से पर्दना बनाना पड़ा संथालों का जो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। इसके बाद में एक चौथे विद्रोह की बात करें, भील विद्रोह। तो भील जनजाति बच्चों आपको पता है राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है और पूर्व की तरफ भी ये जनजाति मिलती है। तो ये जो भील विद्रोह था ये जो है जनजाति थी, ये खान देश के बारे में रहती थी, यानी एक जगह का नाम था खान देश, वहां पे ये लोग रहते थे। और 1812 से लेकर 1819 तक नए स्वामी कौन बच्चों? अंग्रेजी सरकार नए स्वामी के खिलाफ ये विद्रोह किया और इन्हें कृषि से कष्ट व सरकार से भय था, यानी जो खेती बाड़ी करते थे इनके जो तरीके थे सरकार बार बार उन्हें दखल दे रही थी, उनको कह रही थी अपनी कृषि की उपज को बढ़ाओ और सरकार से भी लोग बहुत डरते थे, अंग्रेजों से बहुत डरते थे क्योंकि ये मुंह से कम बात करते थे हथियारों से ज्यादा बात करते थे। और इसके बाद में जो है इन्होंने विद्रोह किया और एक बार नहीं कई बार विद्रोह किया और 1825 में 31 में और 1846 में पुनः विद्रोह किया, यानी स्टार्टिंग में यहाँ तो किए ही किए 1812 में, उसके बाद में 25 में 21 और 46 में भी इन्होंने विद्रोह किए। क्यों करने पड़े? क्योंकि इनके अधिकार नहीं दिए जा रहे थे, इनके बारे में नहीं बोल सुना जा रहा था, इनके बारे में नहीं सोचा जा रहा। उसके बाद में एक और विद्रोह की बात करें बच्चों तो रमोसी विद्रोह। रमोसी
सन्यासी को आने जाने पर तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगा, इससे परेशान होकर ये सारी जानकारी अपन को आनंद जो बंकिम चटर्जी का ग्रंथ है उससे मिली। उसके बाद अपन ने कोल विद्रोह पढ़ा। कोल विद्रोह के अंदर भी जो आदिवासी लोग थे इनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इनकी जमीनें छीन छीन कर बाकी लोगों को बेच दी, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। उसके बाद में जो है संथाल विद्रोह हुआ, ये भी आदिवासी थे और 1855 में ये विद्रोह शुरू हुआ और ये बिहार के अंदर आदिवासी रहते उन लोगों ने किया और इनके साथ दुर्व्यवहार जबरदस्ती दमन जो करते थे इस कारण से। इसके बाद में भील विद्रोह हुआ। भील विद्रोह के अंदर भी जो है अंग्रेजों जो सरकार थी उनका अच्छा व्यवहार नहीं था इसलिए इन्होंने विद्रोह किया। इसके बाद में अपन ने अमौसी विद्रोह पढ़ा। इसके अंदर भी जनजातीय अंग्रेजों से परेशान थी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद में चित्तर सिंह जो इनके प्रमुख थे उनके नेतृत्व के अंदर ये विद्रोह किया गया। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने देखा कई तरीके से विद्रोह हुए और अब अपन आगे जो है और किसान विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, किसानों ने कौन कौन से विद्रोह किए उनके अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, अपने कॉपी के अंदर लिखना इसको और वापस इसको अच्छे से पढ़ना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नए विद्रोह किसान विद्रोह